जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ नई भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना वाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। दोस्तों आरपीएफ की तरफ से आपको 9739 पदों पर बंपर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनके लिए 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ नई भर्ती 2023 के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए, आपका जो अथॉरिटी नेम रहेगा ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रहेगा। आरपीएफ की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, एंड पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो आपको यहां पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 9739 पदों पर देखने को मिलेंगी। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी के लिए रखा गया है। साथ ही में दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुका है, अपना 12th क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। एंड इसी के साथ में दोस्तों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, वो कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकता है। साथ ही में एसआई पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट रखी गई है, ये 18 से 27 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। rpf.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। सो इस भर्ती से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज की डिटेल के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट के 3137 वैकेंसीज रखी जाएंगी, साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए 2599 वैकेंसीज रखी जाएंगी। इसी के साथ में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 451 वैकेंसीज रहेंगी मेल कैंडिडेट की, एंड फीमेल के लिए 732 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों, एससी कैंडिडेट के लिए 531 वैकेंसीज आपको मेल कैंडिडेट की देखने को मिलेंगी, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 556 वैकेंसीज रखी जाएंगी। साथ ही में एसटी कैंडिडेट के लिए 284 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की और 320 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी जाएंगी। टोटल 4403 वैकेंसीज आपको मेल कैंडिडेट के लिए देखने को मिलेंगी, साथ ही में 4216 वैकेंसीज आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों, कांस्टेबल पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट अपना यहां पर 10th क्लास पास कर चुका है वो या फिर अपनी 12th क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 10th की और 12th की मार्कशीट भी आपसे यहां पर मांगी जाएगी, एंड एज लिमिट जो आपकी रखी गई है ये 18 से 25 साल रखी गई है। लेकिन दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के साथ में बात करते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसीज की डिटेल के बारे में। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से 454 वैकेंसीज आपको मेल कैंडिडेट के देखने को मिलेंगी, एंड 157 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 172 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए एंड 66 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट की रखी जाएंगी। साथ ही में एससी के लिए यहां पर 124 वैकेंसीज मेल के लिए और 50 वैकेंसीज फीमेल के लिए रखी जाएंगी। एसटी कैंडिडेट के लिए 69 वैकेंसी यहां पर मेल कैंडिडेट की रहेंगे, साथ ही में 28 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 818 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 301 पोस्ट यहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको देखने को मिलेंगे। एंड एसआई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर ले तो देखिए, जो भी कैंडिडेट अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर चुका है वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही में एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल रखी गई है, जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठकर के अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में
किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों आरपीएफ के लिए कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इनकी अपडेट के बारे में। तो देखिए आपके पास में पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना बेहद जरूरी है, साथ ही में 10th की मार्कशीट आपको यहां पर लगानी होगी, 12th की मार्कशीट भी आपको यहां पर देनी होगी। एंड इसी के साथ में अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। इसी के साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना होगा अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप एक्सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना होगा, साथ ही में आपके पास में अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसे भी आप यहां पर लगा सकते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा एंड इसमें आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। देन दोस्तों यहां पर आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा इसमें 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। एंड दोस्तों इसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक के बारे में। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।